अंडा फेवरेट है, मछली नहीं खाता हूँ, लेकिन मछली का अंडा मैं जरूर खाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों माँ बेटी साथ में सोई हुई है, लेकिन यही अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हमारे चैनल, आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं निकला हूँ अभी जाने के लिए डिमो, एक्चुअली इधर कार खोल लिया हूँ, कार निकाल लिया हूँ इधर, और गेट खोलना पड़ता है, एक्चुअली गेट लॉक हो जाता है हम लोगों का, तो गेट खोलना पड़ेगा पहले। फाइनली खुल गया, तो बहुत दिक्कत करता है खुलने। निकल चुके हैं फटाफट से, और सुबह सुबह निकलते हैं, मतलब एक ही हम लोग का काम रहता है मछली लाना, क्योंकि मुझे तो नॉन वेज और मछली बिल्कुल ही पसंद नहीं, लेकिन बुआ को पसंद है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह अगर जाए ना तो मछली अच्छा मिलता है, और छोटा हुआ मतलब लोकल मछली सारा कुछ मिल जाता है, तो इसलिए जा रहे हैं, देखते हैं अगर मिलता है कि नहीं पता नहीं। उस दिन भी लेट हो गया था थोड़ा सा, और आज भी थोड़ा बहुत लेट हो ही गया है, लेकिन फिर भी अभी मिल जाना चाहिए, सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह मिल जाता है, तो देखते हैं मिलता है तो फटाफट से मछली लेके आएंगे। गए हैं डिमो, और यहाँ पे मछली बाजार जहाँ पे है, देखिए इधर है, पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। लास्ट टाइम तो मिल गया था, अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं, देख लेते हैं, देर हो गया थोड़ा सा। बाजार है मछली, देखिए क्या खतरनाक तगड़ा मछली, की मछली तगड़ा मछली, बहुत ही बड़ा, देखिए बहुत ही बड़ा मछली है। ये लघु पाहुल ले लिया, और इतना तकड़ा तकड़ा और इतना बड़ा बड़ा मछली निकला था ना, मतलब क्या बताऊं, बहुत ही तकड़ा, बहुत ही खतरनाक बड़ा बड़ा, मैं इतना बड़ा मछली देखा ही नहीं हूँ, बहुत बड़ा बड़ा था ना, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक तकड़ा तकड़ा मछली निकला था, इतना बड़ा बड़ा मछली। एक्चुअली इस बड़ा तो शार्क होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन शार्क तो पास से देखा नहीं, समुद्र के पास तो गया नहीं, गया हूँ मतलब मुंबई गया हूँ, लेकिन शार्क नहीं देखा मैंने आज तक, लेकिन ये जो लोकल मछली, लोकल मछली में सबसे बड़ा मछली है, क्या बोलते हैं इसको, मन नहीं जानते हैं नाम, पता कुछ बोला भैया ने नाम, मुझको पता नहीं है, वीडियो में देखा ही भी होगा आप लोगों ने। ले लिया मछली उठी, हो गया मस्त, अपने से घर जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश फ्रेश बिल्कुल नहीं होके आया हूँ, सुबह उठ के आ गया हूँ, तो जल्दी से पहले फ्रेश फ्रेश होऊंगा, फ्रेश फ्रेश हो गया आगे मस्त। और अभी एक्चुअली मेरा रूम का जो हालत है ना, आप लोगों को दिखाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, देखिए पूरा रूम का हालत खराब होकर रखा है, इधर ये सब फेंका हुआ है इधर इस साइड में, और इस साइड में ठीक है क्योंकि ये उसका है, तो वो अपना ठीक करके गई है, और मैं उसका सामान में हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं छूता भी नहीं हूँ, और दाल मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया, क्योंकि पंखा चलाता हूँ तो फिर सूख जाता है, इसको बाहर डालूंगा अभी, और ये पूरा सब ठीक करूंगा, ये ठीक ही है एक्चुअली, इसका साइड में मैं कुछ नहीं छूंगा, कुछ भी चीज़ अगर टच कर दूंगा ना इसका साइड का, तो फिर झगड़ा करने लगेगी आके, वैसे इसका साइड का कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपना इस पूरा एरिया को, ये मेरा एरिया है, मैं अपना एरिया पूरा ठीक करने वाला हूँ अभी। कुछ सेट एकदम पूरा रूम मैंने साफ कर दिया जितना सका, मतलब ये पूरा ये सब लगा दिया इधर, बिस्तर बिस्तर मस्त, इधर ये पूरा गंदा होकर रखा था, इसको लगा दिया, सब कुछ सेट कर दिया, तो बढ़िया लग रहा है अभी, देखने में बढ़िया लग रहा है, और सो के भी बढ़िया लगेगा, मतलब ऐसे रूम साफ सफाई रहता है ना, मतलब मन को अच्छा लगता है, ऐसे आप बैठो आके कहीं से भी अभी सो ना तो ज्यादा ही अच्छा लगता है। इधर बुआ फिर से आज लंच का प्रिपरेशन कर रही है, और आज बन रहा है मछली बन रहा है ना, साग बन रहा है, दाल, हाँ सब कुछ बन रहा है, इधर देखिए पूरा भून के रखा हुआ है मस्त, मतलब पूरा मछली बना, मैं तो मछली खाता नहीं हूँ, लेकिन देख के मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बन रहा है मस्त एकदम, मजा अब बुआ का हाथ का तो ऐसे ही टेस्ट लगता है। अंडा मेरा फेवरेट है, मछली का अंडा फेवरेट है, मछली नहीं खाता हूँ, लेकिन मछली का अंडा मैं जरूर खाता हूँ, तो ये बनेगा अभी, बुआ मेरे लिए बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है ना अंडा, सिर्फ तुम्हारे लिए और अनीस के लिए, हाँ बस मेरे लिए और अनीस के लिए, हाँ ये देखिए मस्त अंडा मैं खाऊंगा। तो अभी जल्दी से जाना पड़ेगा, कि आज काम बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि ईंट खत्म हो गया था, तो अभी ईंट लोड हो रहा है गाड़ी में, तो जा रहा हूँ वहाँ पे ईंट लोड करा के, फिर अनलोड कराना पड़ेगा वहाँ पे जाके दुकान में, तो दुकान में अनलोड करा के आऊंगा फटाफट से, क्योंकि मंडे से फिर काम लगाना पड़ेगा, तो ईंट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो अभी आज ही मतलब सारा कुछ करा ले रहा हूँ, ईंट गिरा के स्टॉक वगैरह मरवा ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मंडे को कराऊंगा तो लेट हो जाएगा, फिर काम में दिक्कत हो जाता है, 10-11 बजे तक फिर आधा टाइम चला ही जाता है। मतलब पहुंच गया यहाँ पे दुकान में, और इधर देखिए कृष्णा आ गया है, कृष्णा भाई पूरा इधर लगा दिया स्टॉक में काम, जल्दी करो आज मेरे को फोन नहीं किया है, चोरी आ गया है ना।
तो इटा उटा स्टॉक हो गया मस्त। पानी का फैसिलिटी, ऐसा फैसिलिटी मिलेगा तुमको कहीं पे? नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो धोने का सारा फैसिलिटी दे दिया हूँ। तो इधर मस्त स्टॉक हो गया, ये लोग भी निकल रहा है अब। हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो मैं भी निकलता हूँ और चलता हूँ घर। देखिए यहाँ पे दोनों माँ बेटी साथ में सोई हुई है, पूरा नींद में, गहरी नींद में। रात को नहीं सोती है क्या अनिस? रात को भी सोती है, दिन में भी सोती है। बहुत ही खतरनाक है ना, इतना सोती है, नींद ही खत्म। बुआ का तो नींद ही खत्म नहीं होती, इतना सोती है। तो हम लोग निकल चुके हैं इवनिंग वॉक के लिए, और बड़ी बुआ एक्चुअली फूफा जी के साथ घूमने चली गई है, तो हम दोनों यहाँ। बुआ है इधर, कल चल जाइए, आज घूम रहे हैं थोड़ा, है कि नहीं? आज मजा ले रही अपना गाँव का, वादियों का, जो भी है। गाँव ऐसा है ना कि शहर से भी अच्छा लगता है गाँव। अपना घर तो सबको अच्छा लगता है, वहाँ रहती हूँ मैं, लेकिन यही अच्छा लगता है। वही बात है, तो अपना घर तो सबको अच्छा लगता है। और मतलब बहुत हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन कल से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग चले जाएंगे, तो इसीलिए बुआ के साथ थोड़ा सा घूम ले रहे हैं हम लोग दोनों, क्योंकि कल से फिर घूमने नहीं मिलेगा ना। मस्त इधर फुलौरा बनाए हम लोग घर में, फुलौरा खा रहा हूँ, पाजी भी खा रहे हैं इधर, बुआ भी खा रही है यहाँ पे, और दादी पूरा हंस रही है, मजा ले रही है, और ये भी हंस रही है, सोई थी दिन भर, अभी सो के उठ के घूम के आके फिर सोने जा रही है, ऐसा हाल है मतलब बुआ का। तो फिर यहाँ पे वीडियो बना है सोने का, तो कहती थी बुआ अभी नहीं मान रही सोइए। इधर आज मैच चल रहा है लखनऊ और राजस्थान का, और स्कोर हो गया है 107 पे 2-10 ओवर में, जिन्होंने करके आ गए सोने के लिए। और आईपीएल का मैच चल रहा था राजस्थान और लखनऊ का, लेकिन मैच बीच में छोड़ के आ गया, आग बंद हो जा रहा था, अभी 2-3 ओवर बाकी है और रन भी चाहिए बहुत सारा, तो देखते क्या होता है, कल सुबह मुझे पता चलेगा। मैं चल रहा हूँ अभी, नहीं तो मेरा मतलब हालत खराब हो जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि आपको रोज सुबह 8:30 बजे आपका वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टाटा बाय, सी यू टुमारो, बाय।